जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। असहिष्णुता और अहंकार और अहंकार विलय विनम्रता, अहंकार का क्रोध का परस्पर बहुत गहरा समझौता है, दोनों बराबर निभा रही है। क्रोध आता है, हम कारणों पर विचार करें तो क्रोध का बहुत बड़ा एक कारण है अहंकार। जिस व्यक्ति में अहंकार की मात्रा ज्यादा होती है उसे क्रोध आने का अधिक संभव प्रसंग रहता है। देख रहे हैं परिवार में, संगठन में, समुदाय में, संस्थाओं में अवरोध पूछा गया, अवरोध क्यों? अहिंसा यात्रा के दौरान बहुत लोगों से पूछा गया कि यह अवरोध क्यों है, समस्या क्यों है, तो एक ही उत्तर मिला, एक बार नहीं, शायद हमने सैकड़ों बार यह सुना कि और कुछ नहीं है, ईगो प्रॉब्लम, बस अहंकार की समस्या है, ईगो प्रॉब्लम है, ये अहंकार की समस्या एक भारी समस्या है। और वैसे अहंकार मनुष्य की एक प्रकृति है, प्रकृति इसलिए कि क्रोध मान माया लोभ ये सब बाद में होते हैं, अहंकार का स्थान पहला है। एक छोटे जीव में भी अहंकार होता है, छोटे से छोटा प्राणी उसमें भी अहंकार। मैं प्रसिद्ध बात बहुत बार कहता हूं कि दो चींटियां आपस में बतिया रही थी, एक चींटी बोली देखो हाथी आ रहा है, और मन होता है कि आज हाथी से लड़ाई कर गिरा दे उसको। दूसरी चींटी बोली कि कैसे करो, इसमें क्या खास बात है, अगर तुम्हारी इच्छा है तो लड़ो, पर एक बात सोच लो कि हम है दो रुपए बेचारा एकला लड़ करेगा क्या। और चींटी में भी अहंकार कि हम दो हैं और वह अकेला है, हमसे कैसे जीतेगा। बस चींटी में भी अहंकार, एक छोटे प्राणी उड़ने वाले तितली में भी अहंकार, एक टिट्टिब में भी, टिट्टिब संस्कृत का एक शब्द है, टिट्टिब उसमें भी बड़ा अहंकार होता है। यह संस्कृत साहित्य का प्रसिद्ध है कि जो टिट्टिब है वह सोता है तो रात पैर ऊपर रखता है, ऐसे सोता है पैर ऊंचे रहते हैं। तो किसी ने पूछ लिया, किसी कवि ने पूछा होगा कि ऐसा क्यों करते हो, पैर ऊंचे क्यों, सोते समय तो पैर नीचे रहना चाहिए, पैर ऊपर क्यों? तो उसने उत्तर दिया कि तुम समझते नहीं हो, रात का समय है, सारी दुनिया सो जाती है, सब निश्चिंत रहते हैं, और अगर उस समय अगर आकाश गिर जाए तो फिर दुनिया का क्या होगा, मैं पैर इसलिए रखता हूं ऊपर कि आकाश गिरे तो उसको थाम लूं और दुनिया को कोई कष्ट न हो। ये टिट्टिब का भी एक अहंकार है अपना। अहंकार
ने कितनी समस्याएं पैदा की है। क्रोध ने मनुष्य जाति को विभक्त नहीं किया, बांटा नहीं, क्रोध के आधार पर मनुष्य का कोई विभाजन नहीं हुआ, अहंकार के आधार पर मनुष्य जाति का विभाजन हुआ है। आठ अहंकार के स्थान बतलाए गए हैं, आठ का निर्देश है, 800 भी हो सकते हैं, पर आठ भी बड़े महत्वपूर्ण है कि अहंकार, एक अहंकार जाति का अहंकार, यह सारा जातिवाद उसी पर पनपा है, चल रहा है। एक अपने को ऊंची जाति का मानता है और दूसरे आदमी को नीची जाति का मानता है, एक विभाजन हो गया, मनुष्य जाति बट गई कि एक ऊंची जाति का और एक दूसरा नीची जाति का, जाति और कुल, एक ऊंचे कुल का दूसरा नीचे कुल का, इन दो के आधार पर, जाति के आधार पर जातिवाद का एक बवंडर खड़ा हो गया और उस जातिवाद ने हिंदुस्तान को तो बहुत हानि पहुंचाई, आज भी पहुंचा रहे। शायद राजस्थान का तो अब नहीं रहा इतना, किंतु बिहार जैसे प्रांत में आज भी कोई जो दलित जाति का या हरिजन जाति का आदमी दूल्हा बनकर घोड़ी पर चढ़कर जाता है तो सामंत लोग नीचे ही उतार देते हैं, ये नहीं चढ़ सकता घोड़ी पर, ये एक सारा अहंकार, अहंकार ने समस्या पैदा की, अहंकार ने समाज को जोड़ा नहीं तोड़ा है। और अगर ये कहा जा सके, अगर अहंकार की समस्या का समाधान हो जाता होता तो शायद हिंदुस्तान बृहत्तर रह जाता, आज टूट गए, टुकड़े टुकड़े हो गए, कारण उसके पीछे अहंकार की समस्या भी बहुत काम कर रही। तो एक जाति का अहंकार जो मनुष्य जाति को विभक्त करता है, टुकड़ों में बांट देता है, औरों का बात क्या कहूं, जैन समाज में भी और जो पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोग हैं उनमें भी एक जाति को ले ओसवाल, अब ओसवाल को भी बांटना शुरू किया अहंकार के कारण, पता नहीं इतना अहंकार कैसे होता। तो यह दशा और बीसा, दशा बीसा एक झगड़ा पैदा हो गया, फिर पांचा और ढाया और सवाया नहीं किया है, खास बात है, इतना बांट दिया आदमी को। और आज भी कि भाई ये हम एक साथ नहीं बैठ सकते, भोजन नहीं कर सकते या रोटी बेटी का व्यवहार नहीं कर सकते, कारण कि वह अमुक है, वह अमुक है। इस वैज्ञानिक युग में, बौद्धिक युग में भी वह जातिवाद का भूत सवार है, कारण अहंकार, एक अहंकार की सारी माया है, एक अहंकार का सारा विस्तार है। एक और इसका हेतु बनता है रूप, एक आदमी बहुत सुंदर है तो उसे अपने सौंदर्य का भी अहंकार होता है, व्यर्थ तो है, व्यर्थ, और व्यर्थ इसलिए कि मैं अपने अनुभव की बात बताऊं कि जिस व्यक्ति को आज से 50-60 वर्ष पहले मैंने देखा कितना सुंदर है, आज देखता हूं तो देखते ही मन में आता है कि कितना कुरूप, क्या हो गया, पहचाना नहीं जा सकता ये वही व्यक्ति है, प्रतिभिज्ञा नहीं होती, तो किस बात का फिर अहंकार करें। जो चली जाने वाली चीज है, आज तो है पता नहीं थोड़े समय के बाद क्या हो। सनत कुमार चक्रवर्ती को अपने रूप का अहंकार था, एक कोई ब्राह्मण आया, बूढ़ा आदमी,
आकर प्रहरी से बोला कि मैं चक्रवर्ती से मिलना चाहता हूँ, दर्शन करना चाहता हूँ। तो वह बोला अभी तो समय नहीं है, दर्शन होगा जब परिषद में जाएंगे, राज्यसभा में जाएंगे, उस समय रास्ते में दर्शन कर लेना। बोला पता नहीं, मैं तो बहुत आतुर हूँ, तुम मेरी भावना चक्रवर्ती तक पहुँचा दो। वह कोई दयालु आदमी था, चक्रवर्ती के पास भावना पहुँचा दी और बोला महाराज एक कोई ब्राह्मण आया है, बहुत बूढ़ा है और वह कहता है कि मैं चक्रवर्ती के रूप को देखने आया हूँ और मैं चला तब जवान था और चलते चलते बूढ़ा हो गया, इतनी दूर से आया हूँ। जब यह बात आई तो चक्रवर्ती का दिल भी पसीज गया कि चलो आने दो। आया, देखा और रूप और सौंदर्य को देखा, स्तब्ध रह गया और बोला कि ऐसा रूप मैंने देखा नहीं, कितना बढ़िया रूप है, कैसा महान रूप है चक्रवर्ती। बस कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी अपनी प्रशंसा सुनता है, बड़ा कठिन काम होता है, वहाँ फिर अहंकार को पनपने का मौका मिलता है। साधक आदमी को बहुत ज़्यादा प्रशंसा नहीं सुननी चाहिए, अगर वह प्रशंसा और स्तुति ज़्यादा सुनता है तो समस्या पैदा होती है। इसलिए मेरा तो ये मत है कि यथार्थ का निरूपण करना चाहिए, यह प्रशंसा की बात ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। एक बार विनोबा जी को एक महात्मा गांधी का पत्र मिला, उन्होंने पढ़ा और फाड़ कर फेंक दिया। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भला महात्मा गांधी का पत्र मिला, फाड़ कर फेंक दिया। तब कार्यकर्ताओं ने पूछा आपने यह क्या किया, महात्मा गांधी का पत्र आपने फाड़ कर फेंक दिया। बोले काम का नहीं, निकम्मा पत्र। और आश्चर्य हुआ कि महात्मा गांधी का पत्र निकम्मा पत्र। तब कार्यकर्ता गए, पत्र को सांधा, जोड़ा, पढ़ा, कि ये तो बहुत काम का है, कि नहीं निकम्मा है, इसमें मेरी प्रशंसा महात्मा जी ने कर दी, मैं वैसा नहीं हूं, मेरी प्रशंसा कर दी और यह मुझे आगे ले जाने वाला नहीं, पीछे ले जाने वाला, इसमें ने फाड़ कर फेंक। एक साधक की मनोवृत्ति यह होती है कि प्रशंसा और विज्ञापन से दूर रहे। जिनमें साधना का भाव पूरा परिणत नहीं होता, साधु बन जाने पर भी यह रहे कि यह छपे, यह ओ, यह हो, यह मेरा नाम आए आए, तो समझना चाहिए कि साधुता में एक कमी है, अभी पूरा साधुता में पक्का नहीं, कच्चाई रह गई। सबके लिए जरूरी है काम करना और विज्ञापन कार्य का हो सकता है कि क्या क्या काम हो रहा है, पर व्यक्ति का विज्ञापन नहीं। मुझे तो यह भी बहुत अटपटा लगता है कि हर कुछ होता है आचार्य का फोटो छाप देते। मैं कहता हूँ, मैंने पहले भी कहा कि यथासंभव हो हमारा फोटो तो छापा ही नहीं जाए, हर पुस्तक में फोटो, हर पेपलेट में फोटो, हर किसी पत्र में फोटो। ये फोटो के साथ विडंबना हो गई, मजाक हो गई है, तो कहाँ फोटो का उपयोग करना चाहिए वह एक अलग बात है, पर बात बात में फोटो ही फोटो, इसका मतलब उसका मूल्य और कम कर दिया। मूल्यवान ऐसे हर बात में नहीं आता, उसका अपना मूल्य होता है। कोई बहुत बड़ा काम है, कहीं कोई विशेष प्रसंग है तो दे दिया, ये ज़्यादा फोटो करना, समाचार पत्रों में ज़्यादा फोटो देना, छपाना, ये साधक के लिए अच्छा नहीं और साधुता के लिए भी अच्छा नहीं, और इससे कहीं न कहीं थोड़ी बाधा भी पैदा हो सकती है। तो ये ज़्यादा विज्ञापन, ज़्यादा फोटो आदि आदि, ये भी अच्छे नहीं, इनका संयम होना चाहिए और विवेकपूर्वक काम करना चाहिए। और वह प्रेरणा अगर साधु साधियों में होती है, समणियों में होती है, तो और नीचे की बात हो जाती है। इतना निरपेक्ष रहना बहुत जरूरी है और इसमें मानता हूं
नवाज जी ने जो काम किया एक उच्च साधना की भूमि का काम है कि अपनी प्रशंसा थी उसको फाड़ कर फेंक दी, बहुत बड़ी बात है। तो आदमी जब आपकी प्रशंसा सुनता है तो अहंकार आने की संभावना, चक्रवर्ती को भी अहंकार आ गया। जब ब्राह्मण ने कहा अलौकिक रूप है, अद्भुत रूप है, और मैं इतने देर चला, बूढ़ा हो गया चलते चलते, मुझे चिंता नहीं, आज मेरी सारी चिंता समाप्त और मैं सार्थक हो गया। अब ये सारी बात सुनी तो इधर अहंकार का नाग फुफकारने लगा। चक्रवर्ती बोला, अरे ब्राह्मण अभी क्या देखता है, अभी तो मैंने स्नान भी नहीं किया है, सज्जा भी नहीं की है, सज्जा बाकी है सारी, अलंकृत नहीं हुआ हूँ, अलंकार भी नहीं किया है, सब बाकी है। मैं जब स्नान कर सज्जित होकर अलंकृत होकर और राज्यसभा में जाकर बैठूं, उस समय देखना कि रूप कैसा होता है। अहंकार इतना प्रबल हो गया। घंटा दो घंटा के बाद चक्रवर्ती सज्जित होकर राज्यसभा में गया और कहा उस ब्राह्मण को बुलाओ। ब्राह्मण गया, देखा नाक भों सिकोड़ दी। चक्रवर्ती बोला, रे कैसा मूर्ख है, पहले तो इतनी प्रशंसा की, अब नाक भों सिकोड़ रहा है, क्या कर रहा है? बोला, वह पानी मुल्तान गया, वह पानी नहीं रहा महाराज, आपका सौंदर्य नष्ट हो गया, आपका रूप भी नष्ट हो गया। कैसे हो गया? कि पीक दानी मंगाओ और थूको जरा। पीक दानी मंगाई, थूका तो थूक में कीड़े कुल बुला रहे। ब्राह्मण बोला कि महाराज रूप कहाँ है, अब तो आपके शरीर में 16 बड़े भयंकर रोग पैदा हो गए। वह आने वाला कोई ब्राह्मण नहीं था, कोई दिव्य आत्मा थी, और किसी प्रयोजन बस, इसी प्रयोजन बस इस रूप में आकर उसने कहा, देखा। अब चक्रवर्ती ने देखा तो एकदम नया मोड़ लिया। अब लिया कि अहंकार ने समस्या पैदा कर दी, और यह सही बात है, ये जितने नकारात्मक भाव है, क्रोध अहंकार लोभ, ये शरीर में भी विकृति पैदा करते हैं, और रोग जो है, सारे रोग शारीरिक नहीं होते, रोग भावात्मक रोग ज्यादा होते हैं, मानसिक रोग ज्यादा होते हैं, और वे ही शरीर में पैदा होते हैं। तो ये भावात्मक रोग पैदा हो गया, अहंकार के कारण भयंकर बीमारियां शरीर में पैदा हो गई। अहंकार एक भारी समस्या है, पर पता नहीं क्यों आता है। मैं अनेक बार कहता हूं, अरे अभी तो तुम बहुत कम जानते हो, इतना अहंकार कहां से, अभी छोटी अवस्था, इतना अहंकार क्यों? पर चाहे अवस्था छोटी है, चाहे पढ़ाई लिखाई कम है, बौद्धिक विकास कम है, पर अहंकार तो आकाश को छूने लग जाता है। तो अहंकार एक बहुत भारी समस्या है, और अहंकार आदमी को असहिष्णु बनाता है। तो रूप का अहंकार और एक बल का अहंकार, बल मुझ में बहुत बल है, उसका भी अहंकार। ऐसे लोगों को भी देखा कि जो बल का अहंकार करते थे, एक समय के बाद सारा अहंकार काफूर हो गया। अवस्था के साथ स्थितियां बदलती है, शरीर का बल भी कमजोर होता है। तो साधक को तो यह देखना चाहिए। एक बार लादनों में गुरुदेव खड़े थे, और शायद महाश्रवण, उस समय महाश्रवण मुदित कुमार का हाथ के सहारा लिए हुए, भिक्षु विहार के बाहर का जो बरामदा, तो गुरुदेव बहुत धीरे धीरे ऐसे सीढ़ियां उतर रहे थे। तो गुरुदेव ने कहा कि देखो, एक समय तो वह था कि सीधे हम लांग जाते, सीधे उतरते ही नहीं, सीधे उतर जाते,
और आज एक एक सीढ़ी उतरने में भी जोर पड़ रहा है, याद है नहीं सर? हाँ, लाजमी की बात है। तो अवस्था के साथ परिवर्तन आता है हर व्यक्ति में, स्थिति बदलती है, तो फिर अहंकार किस बात का हो? बल का अहंकार भी नहीं, कभी अभी है, 10 वर्ष बाद क्या होगा, शरीर की स्थिति क्या होगी, मन की स्थिति क्या होगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए बल का भी कोई अहंकार न हो। ऐश्वर्य का अहंकार, ऐश्वर्य, मेरा वैभव, मेरे पास कितना ऐश्वर्य है, मैं जो चाहता हूं मुझे मिल जाता है, मेरे पास कितने अच्छे साधु है, मेरे पास कितनी अच्छी साध्वियां है, मेरे वर्ग में कितनी अच्छी समणियां है, और कितना है कि मैं जो चाहूं वह काम हो जाता है, कर देते हैं सब, उसका भी एक अहंकार हो जाता है। पर यह भी अहंकार टिकता नहीं है, टिकने वाला नहीं, समस्या पैदा करने वाला है। ज्ञान का भी अहंकार और श्रुत का भी अहंकार, ज्ञान और श्रुत, इन दोनों का अंतर भी हमें समझ लेना चाहिए। ज्ञान तो जो हमारा विकास हो गया, हमारी बुद्धि, ज्ञान का अर्थ है बुद्धि, यानी बुद्धि का अहंकार, मैं बैठता हूं और 1 घंटा में 100 श्लोक कंठस्थ कर लेता हूं, इतना ज्ञान है मेरा। बुद्धि ऐसी है, 4 प्रकार की बुद्धि, उत्पत्ति की, वैनयिक की, कार्मिक की, परिणामी की, मेरा बुद्धि का विकास कितना है, तत्काल मैं पकड़ लेता हूं, समझ लेता हूं, उसका भी अहंकार एक अहंकार का निमित्त बनता है। जो व्यक्ति शांति से जीना चाहे और दूसरों को जोड़ना चाहे, दूसरों के साथ मिलकर काम करना चाहे, और यह चाहे कि ये मेरे साथ मिल सके, हम एक हो सके, जुड़ सके, अलगाव न हो और परस्पर में कटुतापूर्ण व्यवहार न हो, उसे क्रोध को मिटाने की अपेक्षा पहले ध्यान देना चाहिए अहंकार के विलय पर। क्रोध विलय की तो साधना की, और अहंकार उतना प्रबल है तो वह साधना भी बहुत सार्थक नहीं होगी, सहिष्णुता भी पकेगी नहीं। सहिष्णु होना है, क्रोध को शांत करना है, उपशांत रहना है, तो पहले इस पर ध्यान दें कि मेरा अहंकार कितनी मात्रा में है और मुझे अहंकार का विलय करना है। विनम्रता की एक पृष्ठभूमि पर आज कुछ कहा गया, कि विनम्रता की पृष्ठभूमि क्या है? कोरा हाथ जोड़ना विनम्रता नहीं है, पृष्ठभूमि को समझना है कि अहंकार की शिला पर कभी कमल का फूल नहीं खिल सकता, कभी विनम्रता का विकास नहीं हो सकता। यदि विनम्रता के कमल पुष्प को विकसित करना है तो हमें पानी देखना होगा, तालाब देखना होगा, शीतलता और मृदुता देखनी होगी। इस सारे संदर्भ पर विचार करें तो फिर हम ये विनम्रता की पृष्ठभूमि को समझ सकेंगे, और पृष्ठभूमि के बाद अगली जो बात है उसे और विकास की बात और पुष्प परिमल की बात हमारे सामने आ सकेगी। ओम आशा। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरु